ये जो नया जेनरेशन ऑफ एक्टर्स आया है, वी आर ऑल वर्किंग वेरी हार्ड. न्यूअर पीपल आर कमिंग, गेटिंग अ चांस. न्यूअर टैलेंट इज कमिंग इन. लास्ट ईयर वाज द ईयर व्हेन फाइव डेब्यूटेंट्स मेड एन अमेजिंग डेब्यू. द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन हु इज ब्यूटीफुल एंड स्टनिंग. जो स्टार्स थोड़े थोड़े बूढ़े हो रहे हैं, तो वो इतने अपने यंग पीपल को अपील नहीं करते. फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, इट्स नॉट इनफ टू कीप इन्वेस्टिंग इन अ शाहरुख खान और सलमान खान. यू नीड टू हैव यंगर पीपल. बॉलीवुड में अब तक सिर्फ खान्स, कपूर्स, कुमार्स एंड रोशन्स की ही चलती थी, लेकिन यंगिस्तान यानी कि बॉलीवुड के नए और यंग स्टार्स ने अब इन 40 प्लस सुपरस्टार्स को बराबर की टक्कर दे दी है. मीडिया से लेकर मूवीज तक, फिल्म से लेकर फैशन तक, बॉलीवुड के ये यंग स्टार्स छाए हुए हैं. सो कैन वी से अब यंग स्टार्स बॉलीवुड की फर्स्ट चॉइस बन गए हैं? यस और नो? आज की बिग स्टोरी में हम खोजेंगे इसी सवाल का जवाब. इस साल के वरुण धवन ने सिर्फ एक फिल्म ही की है, लेकिन उनके पास पांच लीडिंग ब्रांड्स के साथ साथ मैं तेरा हीरो, हम्टी डम्टी की दुल्हनिया जैसी चार बड़ी फिल्में भी हैं. सिद्धार्थ मल्होत्रा तीन बड़े ब्रांड एंडोर्स कर रहे हैं. इसके साथ साथ हंसी तो फंसी और द विलन जैसी फिल्मों में लीड रोल भी. चोपड़ा पांच लीडिंग ब्रांड्स के साथ साथ हंसी तो फंसी, शुद्ध देसी रोमांस, किल दिल जैसी कई फिल्में भी कर रही हैं. आलिया भट्ट इज जस्ट 20, लेकिन उनके हाथ में हाईवे, टू स्टेट्स, जग्गा जासूस, हम्टी डम्टी की दुल्हनिया जैसी कई फिल्में हैं. आयुष्मान खुराना, इमरान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण, सुशांत सिंह राजपूत, श्रद्धा कपूर, आदित्य रॉय कपूर एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रणबीर कपूर. बॉलीवुड के यंग स्टार्स की लिस्ट लंबी है, जो न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि ब्रांड वर्ल्ड में भी छाए हुए हैं. फिल्म मेकर्स, एड मेकर्स के साथ साथ ये यंग स्टार्स इस वक्त ऑडियंस की भी फर्स्ट चॉइस बनते जा रहे हैं. जो ट्रेडिशनल जो सुपरस्टार्स रहे हैं 90s के दशक से, जैसे शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, या फॉर दैट मैटर इवन अजय देवगन और अक्षय कुमार, क्वाइट ऑब्वियसली अगर लॉन्जेविटी की बात करें या कितने साल तक वो सुपरस्टार रहेंगे, फिल्म इंडस्ट्री मानती है कि ये ज़्यादा साल नहीं चल सकते, बिकॉज इट्स एन एज फैक्टर. यू नो, एवरीबडी हैज़ टू रिटायर. दे ऑलमोस्ट क्लोज टू देयर 50s नाउ, 47, 48. सो पिछले दो या तीन साल में कम से कम एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट रहा है फिल्म इंडस्ट्री के तरफ से टू क्रिएट न्यू मूवी स्टार्स इन टर्म्स ऑफ मेकिंग बिग बजट मूवीज विद न्यू एक्टर्स. ऐसे में सवाल पूछना और जानना जरूरी हो गया है कि क्या बॉलीवुड के ये यंग स्टार्स 40 प्लस सुपरस्टार्स को बराबर की टक्कर दे रहे हैं? क्या बॉलीवुड अब सुपरस्टार्स की जगह इन यंग स्टार्स को प्रेफर करने लगा है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री एंडोर्समेंट वर्ल्ड में भी 40 प्लस सुपरस्टार्स को ये यंग स्टार्स रिप्लेस कर रहे हैं? यस और नो? एक बड़ी डिबेट के साथ आज की बिग स्टोरी में हम खोजेंगे इन्हीं सवालों के जवाब. आप सिर्फ टीवी का वॉल्यूम तेज कर लीजिए और देखते रहिए बॉलीवुड बिग स्टोरी. चलिए डिबेट शुरू करते हैं और जानते हैं क्या 40 प्लस सुपरस्टार्स के कंपैरिजन में अब बॉलीवुड यंगस्टार्स को फर्स्ट प्रेफरेंस देने लगा है? क्या यंगिस्तान अब बॉलीवुड की फर्स्ट चॉइस बन चुका है? लेट्स डिबेट एंड फाइंड आउट द आंसर. सबको नई चीज़ें देखने हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर जो पुरानी चीज़ें होती है उनका भी चार्म होता है. जो मतलब तीन खान है, हम लोग उनके बारे में, कोई भी उनके बारे में एक शब्द भी नेगेटिव बोले तो वो इडियट होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जो इंडस्ट्री है उन्होंने उसका वेट कितने सालों से उठाया है और उठाते रहेंगे ऑब्वियसली. और जितने भी बड़े स्टार्स है या युवा स्टार्स है, उनको भी उनसे इंस्पिरेशन लेके ही आगे बढ़ना चाहिए. आई डोंट वांट टू बी द नेक्स्ट शाहरुख खान, देयर कैन ओनली बी वन शाहरुख खान. That's why he is the Shahrukh Khan. I want to be Ranbir Kapoor. I want people to know me for my work. You know, you can just remove the S and keep the RK.
So I want to be myself. So I don't take these tags seriously. From the day my first film came, even though it was a disaster, people said he's the next big thing, next big thing. That's a very polite way of saying, ki beta, you're not a superstar or anything, you could be. So that phrase has been attached to me for a long time. And now there's so many next big things, you know, there are so many new boys who have come who are so talented and so popular. As I said, this, we are going through the golden era of Indian cinema. Like last year was the year when five debutants made an amazing debut. I think that is nothing happened. That's not happened in the past. It's a rarity. It's an aberration, I think. So, and out of five, everybody did really well. And I think another in the forthcoming years, there'll be at least 3 to 4 newcomers every year. I think it's a very, very good sign. There are a lot of talented people out here that are coming out there and making a super mark for them. I don't know about taking over, you know. I think taking over is kind of insulting someone's potential. You're making somebody a replacement for somebody else. I wouldn't want to be that. I want to be myself. I mean, these are superstars. They proved Akshay is also from 89. Mm-hmm. And Salman is also from 91, 92. So, I mean, these people have done their bit, they've seen the ups and downs, and doesn't make a difference. See where Salman is, and see with what they were talking about him 5 years back. So it's they are superstars, nobody can, you know. नहीं जो superstars हैं वो हमेशा superstars रहेंगे ये कहना थोड़ा गलत होगा because it changes almost every Friday. आपने 4-5 flops अगर दे दिए तो quite obvious कि आप superstar नहीं रहे. In the same way, अगर आप कोई नई फिल्म आती है जो लोगों को पसंद आती है उसमें एक नया कलाकार होता है जो कनेक्ट एक बैठ जाता है ऑडियंस के साथ देन ही बिकम्स अ सुपरस्टार. आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रेशनेस. अभी जो पिछले 2 सालों में जितने डेब्यूटेंट्स आए हैं इस इंडस्ट्री में आई थिंक देयर इज होल लॉट ऑफ फ्रेशनेस. परिणीति जैसे जो नाम आ गए हैं या सुशांत सिंह राजपूत जैसे जो नाम आ गए हैं देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रेशनेस. इनफैक्ट अब जब मैं ट्रेलर्स देखती हूँ आई एम सरप्राइज टू सी देयर इज अ इक्वल मेजर ऑफ एक्सपीरियंस्ड नोन एक्टर्स एंड इक्वल मेजर ऑफ अपकमिंग एक्टर्स. इस साल काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी बैलेंस रहा है. ऑल द बिग स्टार्स देव ऑल हैड रिलीजेज आर गोइंग टू हैव रिलीजेज. जैसे कि शाहरुख खान हैं, आमिर खान हैं, काफ़ी समय के बाद ऋतिक हैं, उनकी क्रिश आ रही है, या फिर सलमान हैं, अक्षय कुमार हैं. तो सबकी फिल्में हैं लेकिन देयर इज ऑल्सो बीन एन इक्वल फुटिंग एंड प्रेजेंस ऑफ द यंगर स्टार्स. चाहे आशिकी हो, चाहे मेरे डैड की मारुति हो, फुकरे हो. So lots of younger, fresher films as well. और काफ़ी balanced रहा है इस साल. I think अगले साल भी मेरे ख्याल से थोड़ा similar रहेगा because काफ़ी बड़ी फिल्में भी lined up हैं अगले साल के लिए. But somehow my gut tells me कि the lineup of the younger, newer stars is going to be stronger, slightly. Industry में ना मैं सोचता हूँ कि व्यू स्टडी इट there's a cycle. वो 15-18 साल की cycle होती है. और जो हमारे सुपरस्टार्स है यू नो द खान्स एंड यू नो सो ऑन आर ऑल बॉर्न इन 1965 तो दे आर ऑल 48 दिस ईयर. ओके तो लॉजिकल है कि अगर यूथ के अगर फिल्म्स हो और वैसा सब्जेक्ट हो इफ इट्स अ कॉलेज कैपर तो इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम टू बी यू नो स्टारिंग इन इट. सो साइक्लिकली यू विल फाइंड कि अभी रणबीर कपूर इज 30 एंड द यंगेस्ट ऑफ द न्यू एक्टर्स अबाउट 24-25. So the next band of actors which will be taking over that slot of cinema, okay, I think are now here and getting more and more established. Break ke baad, hum aapko batayenge kaise young stars ne superstars se chheen liye sare young aur classy brands bhi. You stay with us. Welcome back. आप देख रहे हैं हमारे यंगस्तान से जुड़ी बॉलीवुड बिग स्टोरी. क्या आप जानते हैं सिर्फ फिल्म्स ही नहीं ब्रांड और एड वर्ल्ड में भी अब सिर्फ यंग ब्लड ऑफ बॉलीवुड की ही डिमांड है. ज्यादा ब्रांड्स भी यंग स्टार्स के पास ही है. कैसे और क्यों जेन नेक्स्ट बना ब्रांड वर्ल्ड की भी फर्स्ट चॉइस लेट्स फाइंड आउट. Young, hot, handsome, stylish, cool, funky. ये है बॉलीवुड का यंगस्तान जो इंडियन यूथ का तो फेवरेट बन ही चुका है लेकिन इसके साथ साथ एड वर्ल्ड में भी धमाल मचा रहा है. इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे जो विज्ञापन की दुनिया है इट एड्रेसेस अ लॉट ऑफ यंग पीपल. वी वेरी रेयरली एड्रेस ओल्ड एंड मिडिल एज पीपल.
तो इवन द ओल्ड पीपल लाइक यंग स्टार्स. यस यू हर्ड इट राइट. यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए अब एडवर्टाइजमेंट कंपनीज स्टाइलिश कूल फंकी क्लासी ब्रांड्स के एंडोर्समेंट के लिए सिर्फ यंग ब्रीड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को ही साइन कर रहे हैं. यस द फैक्ट रिमेन्स कि यंग ब्रांड्स यंग स्टार्स को अब कर रही हैं. बट दीज आर ब्रांड्स, जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ तो काफ़ी सारे ब्रांड्स जैसे HUL है, ITC है, इनमें एक किस्म का सेग्रीगेशन एक बांटा गया है जिसमें कुछ ब्रांड्स हैं जो यूथ के लिए होते हैं, कुछ ब्रांड्स होते हैं जो थोड़े एल्डरली लोगों के लिए, और कुछ होते हैं जो 40 प्लस के लिए होते हैं. तो यस इट इज़ राइट कि आजकल जो यंग स्टार्स हैं उनके लिए एक किस्म का एक नया जॉनर आ गया है मार्केट में जो पहले नहीं था. आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, परिणीति चोपड़ा, वरुण धवन, आयुष्मान खुराना, सोनाक्षी सिन्हा, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, इमरान खान और सबसे इम्पोर्टेंट रणबीर कपूर, बॉलीवुड के यंगस्टार को रिप्रेजेंट करते इन सभी स्टार्स के पास आज ब्रांड्स की लाइन लगी है. बॉलीवुड के सबसे बड़े एंड क्लासी ब्रांड्स ये स्टार्स एंडोर्स करते हैं, लेकिन अपने सीनियर्स के कंपैरिजन में आज एड वर्ल्ड यंग हीरोज को क्यों कर रहा है साइन? चलिए एक्सपर्ट से पूछते हैं. मेन वजह यही होगी कि जैसे मैंने कहा 70% इस देश की ऑडियंस 35 से कम है, और आज की जनरेशन वैसी है कि अगर पापा मम्मी कुछ कहे करने के लिए वो शायद ना सुने, लेकिन अपने अगर दोस्त कुछ वैसे कर रहे हो तो दिल भी इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट मोर. तो वही आई थिंक ब्रांड्स में भी रिफ्लेक्ट होता है कि कोई बड़े बुजुर्ग आके कहे कि बेटा ये खा लो, बेटा ये पी लो, वो शायद ना जमे, लेकिन उनकी उम्र के लोग, उनके जो यूथ आइकन्स हैं, अगर वो आए और एंडोर्स करें, अगर उनके साथ वो दिखाया जाए, दैट प्रोडक्ट और वो जो ब्रांड होता है वो ज़्यादा शायद आकर्षक बन जाता है. वेल, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 2013 की यंग ऑडियंस स्टाइल और फैशन में यंग हीरोज को ही फॉलो करती है, इसीलिए ब्रांड और एड वर्ल्ड में बॉलीवुड का यंग स्थान छाया हुआ है. ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे क्या यंग स्टार्स बहुत जल्द चार्ज करने लगे हैं टू मच मनी. यू स्टे विद अस. आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी. यंग स्टार्स की बॉलीवुड में डिमांड तो बढ़ गई है, लेकिन इन्हीं यंग स्टार्स ने अपनी डिमांड भी बढ़ा ली है. ये यंग स्टार्स चार्ज कर रहे हैं करोड़ ऑफ रुपीज. अब ये कहां तक सही है या फिर गलत, लेट्स फाइंड आउट. कुछ दिनों पहले मुंबई के एक टैबलॉइड में आई इस खबर को जरा गौर से देखिए. टू प्राइसी टू अर्ली, ये खबर बॉलीवुड के उन यंग स्टार से जुड़ी है जिन्होंने हाल ही में बॉलीवुड में अपना करियर बनाया है, लेकिन उनके रेट आसमान पर पहुंच गए हैं. रिपोर्ट में लिखा है कि सिर्फ एक या दो फिल्म पुराने ये यंग एक्टर्स एड और ब्रांड के लिए लाखों करोड़ों रुपए चार्ज करने लगे हैं, जिससे बड़े बड़े बैनर के फिल्म मेकर्स तो इनके साथ काम कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसे फिल्म मेकर्स जिनके साथ कोई बड़ा बैनर नहीं जुड़ा, वो इन हीरोज के साथ काम करना तो दूर की बात, मुलाकात तक नहीं कर पाते. यस, उनके चार्जेस हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो भी अभी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे. जब आप कहते हैं कि कोई स्टार ज़्यादा प्राइस ले रहा है, तो आपको इकोनॉमिकल कंडीशन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करना चाहिए. एक्सपर्ट्स इसकी वजह यंग एक्टर्स नहीं बल्कि उनके अकाउंट और काम को मैनेज करने वाली टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज बता रहे हैं, जो स्टार्स को तो लिमिटेड अमाउंट ही पे करते हैं, लेकिन अपना कमीशन लाखों करोड़ों रुपए रखते हैं. इसकी वजह से ही ब्रांड और फिल्म मेकर्स उनके साथ काम नहीं कर पाते. टैलेंट मैनेजमेंट जो होती है आजकल स्टार्स की, जो दे आर नॉट द ओल्ड सेक्रेटरीज और समथिंग जो डेट्स देने वाले हैं, दीज आर पीपल हु मैनेज देम, यू नो, उनसे मिलना भी नामुमकिन है. पुराने जमाने में वी शुड गो टू द स्टार एंड डिस्कस द स्क्रिप्ट, द क्लोज, द थिंग. आजकल कुछ नहीं, द स्टार ओनली लैंड अप ऑन द सेट. तो तुम अंधाधुनी किसी लल्लू से आप सब टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी हुआ, इज नो एक्सपीरियंस व्हाट्स एवर इन विज्ञापन की दुनिया, जो विज्ञापन की जो डायनेमिक्स है, किस पे वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्यों चाहिए ये, कैसे कास्टिंग है, किस किस्म की स्क्रिप्ट है, व्हाट इज द रिसर्च, इतना रिसर्च जाता है मार्केट में कि लोग क्या सोचते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे, दे ऑल लाइक योर ब्रांड एम्बेसडर. बट आप ब्रांड एम्बेसडर को थोड़ी बेच रहे हैं, आप तो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं. तो व्हेन यू डू रिसर्च इन द प्रोडक्ट, देयर इज अ लॉट ऑफ सजेशंस दैट कम फ्रॉम द मार्केट.
और वो ये बैठ के ये लोग कहते नहीं ये स्क्रिप्ट ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है. व्हाट डू दे नो? दे आर नॉट अ पार्टी टू द रिसर्च. यू नो अगर वो बैठते हैं रिसर्च पे एंड दे बिकेम इन्वॉल्व इन दैट, देन दे हैव अ वैलिड पॉइंट कि नहीं ये हमारे स्टार ये नहीं करेगी, एक्सपोज नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी. हालांकि टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज के पास इस बात का अपना क्लेरिफिकेशन है. ये परसेप्शन भी मेरे ख्याल से सही नहीं है. ये पता नहीं कौन सी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं या कौन से स्टार्स हैं. आई थिंक इस हिसाब से अगर लोग रिलेशनशिप बनाना चाहें तो बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू रहेगा कि हम जो भी ब्रांड्स के साथ रिश्ता बनाते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टर्म, इट्स लाइक अ लॉन्ग टर्म मैरिज, इट्स नॉट अ वन नाइट स्टैंड कि यार आज रात पैसा बना लिया अब चलो कल देख लेंगे, अब तुम कटो. वो आई थिंक गलत रहेगा. हमारे सारे जो भी रिलेशनशिप्स या ब्रांड एंडोर्समेंट्स हमने किए हैं, जैसे कि अनुष्का हो या फिर परिणीति हो, देव ऑल बीन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देव ऑल कम बैक फॉर रिन्यूअल. एंड एट नो स्टेज हम लोग ऐसे चाहेंगे कि ये स्टार के लिए अच्छा ब्रांड या अच्छा मौका या अच्छी फिल्म चली जाए बिकॉज सडनली हमारा पेट नहीं भर रहा. सो आई थिंक दैट विल बी वेरी सिली. नो दैट्स नॉट ट्रू बिकॉज वट एवर मनी दैट इज मेड देर इज अ फिक्स्ड परसेंटेज दैट्स कमिंग टू द सेलेब मैनेजमेंट कंपनी विच इज अ फैक्ट. इन any normal player will make anywhere between 10 and 20% depending on you know the level of the star. So the in any contractual transaction the bulk of the money was obviously going to the star. जो भी हो लेकिन जिस तरह से जमीन पर आए इन नए सितारों ने अपने रेट आसमान तक पहुंचा दिए हैं, उसे देखकर कहना गलत ना होगा कि इससे अगर लॉन्ग टर्म में किसी का नुकसान है तो वो खुद इन यंग एक्टर्स का ही है. इसीलिए इन स्टार्स को थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है. आज की बिग स्टोरी के कंक्लूजन में यही कहा जा सकता है कि यंग स्टार्स ऑफ बॉलीवुड ने इंडीड सलमान, शाहरुख और आमिर जैसे सुपरस्टार्स को बराबर की टक्कर दे दी. ये था हमारा व्यू, लेकिन आप क्या सोचते हैं? टू गिव अस योर व्यूज ऑन ट्विटर एट जूम टीवी विद हैश बॉलीवुड बिग स्टोरी. वेल विद दैट इट्स अ रैप. वी विल बी बैक नेक्स्ट वीक सैटरडे 12:30 नून एंड संडे 8 PM विद येट अनदर फ्रेश डिबेट. टिल देन कीप वॉचिंग जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल. Thank you.